हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज हम आपको बताने वाले हैं कि अपने फ़ोन में कॉल फॉरवर्ड कैसे करेंगे। तो फ्रेंड, बहुत ही सिंपल इजी इजी स्टेप बताएंगे। आपको देखना है और फॉलो करना है, और वीडियो की पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना है। अगर फ्रेंड आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। या फिर फ्रेंड आपको अपने फ़ोन में डायल पैड को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन ओपन होएंगे। या फ्रेंड आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा थ्री डॉट का, आपको थ्री डॉट पर क्लिक कर लेना है। तीन ऑप्शन आपके फ़ोन में ओपन होंगे, तो आपको यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर ऑप्शन बहुत सारे ओपन होंगे, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा कॉलिंग अकाउंट, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर कॉल फॉरवर्ड सेटिंग पे आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ से आपको अपने फ़ोन में रीडिंग सेटिंग चलेगी, तो आपको यहाँ पर कंटिन्यू वेट कर लेना है। उसके बाद में हम आपको बताएंगे अपने फ़ोन में कॉल फॉरवर्ड कैसे करेंगे। तो हमारे फ़ोन में एक ऑप्शन ओपन हो चुका है ऑलवेज फॉरवर्ड का, तो इसी प्रकार हमारे चारों ऑप्शन जो ओपन होंगे, तो हम आपको बताएंगे कि आप फोन पे कॉल फॉरवर्ड कैसे इनेबल करेंगे। टाइम पर यहाँ पर हमें कुछ टाइम और वेट करना, हमारे दो ऑप्शन ओपन हो चुके हैं, तो हमारा दो ऑप्शन और रहेगा ओपन होने को। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आप फोन पे कॉल फॉरवर्ड कैसे इनेबल करेंगे। तो यहाँ पर हमें कंटिन्यू वेट करना जब तक हमारी रिटर्न सेटिंग चल रही है। देखिए फिर यहाँ पर हमारे चारों ऑप्शन ओपन हो चुके हैं, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा ऑलवेज फॉरवर्ड, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में आपको जिस नंबर पर अपनी कॉल फॉरवर्ड करना है, तो आपको यहाँ पर वो नंबर ट्राई कर लेना है। यहाँ पर आपको टर्न ऑन कर देना है। तो इस प्रकार आप अपने फ़ोन में कॉल फॉरवर्ड इनेबल करेंगे, तो आपको यहाँ पर लोडिंग सेटिंग चलेगी। तो इस प्रकार जब आपके फ़ोन में लोडिंग सेटिंग पूरी हो जाएगी, तो इस प्रकार हम आपको बताएंगे अपने फ़ोन में इसी प्रकार आप अपने फ़ोन में कॉल फॉरवर्ड इनेबल करेंगे। तो आई फोन यहाँ पर हमें कुछ टाइम और वेट कर लेना है। उसके बाद में हम आपको चेक करा देते हैं कि हमारे फोन में कॉल फॉरवर्ड हो चुकी है। तो आपको इसी प्रकार अपने फोन में कॉल फॉरवर्ड करना है। यहाँ पर हमें कंटिन्यू कुछ टाइम वेट कर लेना है। यहाँ पर हमारी लोडिंग सेटिंग चल रही है फ्रेंड। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपके फोन में कॉल फॉरवर्ड इसी प्रकार आपको इनेबल करना है। तो आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक कर लेना है। इस प्रकार आपके फोन में कॉल फॉरवर्ड इनेबल करेंगे। आई होप अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो गाइस, तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। चैनल पर लाइक हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।